हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं आपको हर की पौड़ी हरिद्वार के दर्शन कराऊंगी। ये गंगा मैया है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए ये गंगा मैया है और मैं गंगा मैया के आपको दर्शन कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपको इसी तरीके से घर बैठे मंदिरों के दर्शन कराती रहूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है हर की पौड़ी का मेन दरवाज़ा। वैसे इसके कई दरवाजे हैं मेन, लेकिन ये हम यहाँ से एंट्री करते हैं। और देखिए ये मेन बाज़ार में है, और आप यहाँ पर बाज़ार में काफ़ी सारी भगवान से संबंधित या गंगा जल भरने के लिए जो श्रद्धालु ले जाते हैं उनके लिए कैन वगैरह काफ़ी मिलती हैं। ये हर की पौड़ी उत्तराखंड में हरिद्वार में स्थित है। अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं, हर की पौड़ी में स्नान करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सुविधा है, रेलवे स्टेशन यहाँ का बहुत ही सुंदर बना हुआ है, एक मंदिर की शेप में बना हुआ है। आप किसी से भी आ सकते हैं, बस से, रेल से, या फिर आप हवाई जहाज से भी आ सकते हैं देहरादून तक, तो फिर वहाँ से आप हरिद्वार आ सकते हैं। तो काफ़ी आना आसान है, आप चाहें तो अपने वाहन से भी आ सकते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कुंभ भी लगता है, महाकुंभ लगता है, तो काफ़ी सुविधा है यहाँ पर, और जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं उनका बार बार मन करता है यहाँ आने का। और हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन से करीब 2-2.5 किलोमीटर है, तो आप आसानी से हर की पौड़ी पहुँच सकते हैं। आप हर की पौड़ी पर ई रिक्शा के द्वारा या फिर आप छोटे वाहन के द्वारा जा सकते हैं, बड़े वाहन यहाँ पर बैन लगे हुए हैं। तो देखिए इस तरीके से हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी पर, तो चलिए आगे दर्शन कराते हैं आपको। पुराणों के अनुसार कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं जिनको मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हरिद्वार का मतलब क्या है। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार, यानी चारों धाम की जो यात्राएं होती हैं वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। भगवान का जो द्वार है, देव द्वार, इसे देवघर भी बोलते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होता है, यानी हरि का द्वार। ऐसा भी माना जाता है कि माता गंगा ने यहाँ पर सबसे पहले अवतरित हुई थी, तो यहाँ के बाद में वो अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई समुद्र में जाकर के मिली है। तो इस तरीके से भी यहाँ का एक पवित्र स्थान माना जाता है। हर की पौड़ी एक बहुत ही ज्यादा पवित्र घाटों में से एक घाट है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का इसी तरीके से वर्ष भर तांता लगा रहता है। श्रद्धालु वर्ष भर यहाँ पर आते हैं, और जो एक बार आता है उसका बार बार आने का मन करता है। कोई भी तीज त्योहार हो, आपको हर समय घाटों पर इसी तरीके से भीड़ लगी रहेगी श्रद्धालुओं की। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हम अभी आपको घाटों के भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ के सभी घाट साफ सुथरे और बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। घाटों पर आप चाहें तो पूजा के लिए इस तरीके से फूल पत्र ले सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से कैन ले सकते हैं। गंगा जल काफ़ी श्रद्धालु अपने साथ ले जाते हैं, और माता गंगा को चढ़ाने के लिए आप कोई भी वस्तु लेना चाहें, सामग्री लेना चाहें, वो भी ले सकते हैं। आप सामने जो देख रहे हैं वो घंटाघर है, आप इसे घंटाघर कह सकते हैं या क्लॉक टावर कह सकते हैं। ये एक टापू पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ माँ गंगा बह रही है, और इसको एक टापू पर बनाया हुआ है, और इसको कई सारे पुलों के द्वारा कनेक्टेड रहता है, वहाँ पहुँच सकते हैं उस टापू पर। ये एक देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और एक आकर्षण का केंद्र है। और आप इसको, ये इतना ऊँचा है, इसकी जो ऊंचाई है करीब 66 फीट है, और इसको हाईवे से भी देखा जा सकता है। और ये जो हरिद्वार का, हर की पौड़ी का जो फोटो होता है उसमें सभी में आपको दिखाई देगा, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरीके से आप ब्रिज के माध्यम से, आप इस तरीके से सीढ़ियां उतर के हम लोग हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। तो अभी हम टावर के पास ही चलते हैं, चलिए। वैसे इस टावर का नाम राजा बिरला टावर है। इसको राजा बलदेव बिरला ने 1938 में बनाया था। देखिए ये पुल काफी बड़ा है। हरिद्वार में माँ गंगा पर दर्जनों भर
पुल बने हुए हैं जो श्रद्धालुओं को आवागमन में काफ़ी सुविधा देते हैं। वो हर की पौड़ी से माँ गंगा पर और गंगा से इस साइड यानी हर की पौड़ी से उस टापू पर जा सकते हैं। और एक बहुत ही बड़ा इस तरीके से लोहे का भी ब्रिज बना हुआ है। और सामने आप जो देख रहे हैं लोहे का जो ब्रिज बना हुआ है वो श्रद्धालुओं को हर की पौड़ी से माँ गंगा पर टापू से इधर उधर जाने में काफ़ी सुगम करता है।